हेलो क्लास सिक्स, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स रीड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अपने आसपास के सराउंडिंग को, अपने आसपास के वातावरण को किस तरह से अडेप्ट करती हैं, किस तरह से उसके हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम टर्म्स टू रिमेम्बर रीड करेंगे, कीवर्ड्स जो हैं इस चैप्टर के वो रीड करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो टर्म्स टू रिमेम्बर में आप देखो, हैबिटेट, नेचुरल प्लेस मतलब नेचुरल, नेचर, नेचर की जगह, ऐसी जगह जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अपने आप को बचाकर रखते हैं, ब्रीड करते हैं, मींस अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं और फ्लरिश करते हैं, फलते फूलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, सारे जितने भी लिविंग चीजें हैं अर्थ के ऊपर वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब होता है किस तरह से उस एनवायरमेंट को हम एनवायरमेंट में हम रहते हैं। फीचर्स डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनिजम्स, किस तरह से फीचर्स हमारे अंदर की फीचर्स डेवलप होती हैं सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर। नॉक्टर्नल, द एनिमल विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, तो जो एनिमल्स रात के समय एक्टिव होते हैं वो नॉक्टर्नल कहलाते हैं। हाइबरनेशन, एक लंबी नींद के लिए जाना, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं सर्दियों में, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो नींद में चले जाते हैं 3-4 महीने के लिए। और एक्सीरियोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स को कहते हैं, इसमें कैक्टस आएगा एग्जाम्पल। और सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम्स के अंदर, अपने तनों के अंदर। और हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स वो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में जो भी आपको प्लांट दिखेगा वो हाइड्रोफाइट्स कहलाएगा। इसके बाद हम हैबिटेट रीड करेंगे। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट, All living organism need a place to live in addition to food, water and air. सारे living organisms को क्या क्या चाहिए? Food चाहिए, water चाहिए, air के लिए रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, A place where an organism live, जिस भी जगह रहता है कोई organism वो उसका habitat कहलाता है। The habitat is a part of the total environment of the region. तो habitat एक ऐसा part है environment का, एक region का, जहां पर जो है organism रहते हैं। अ हैबिटेट मस्ट प्रोवाइड टू द ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर इन द फॉलोइंग। अब एक हैबिटेट के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिज्म को चाहिए? फूड चाहिए, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन टू सर्वाइव, ब्रीड एंड फ्लरिश, और अपने उसकी बॉडी के हिसाब से क्लाइमेट चाहिए, एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पर वो बच के रह सके और जनरेशन हो उसकी और फले फूले। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, There are three main types of habitats in the biosphere. तो पहला है terrestrial habitat या land habitat. ठीक है, ये first है। इसके अंदर forest, mountain, grassland, desert and coastal regions आते हैं। Aquatic habitat और water habitat है जो sea, lake, river, pond में आते हैं। और aerial और arboreal हैबिटेट है जो हवा और ट्रीज, पेड़ों पे और जो हवा में रहने वाले जीव जंतु होंगे वो आएंगे। इसके अंदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं। नेक्स्ट पेज में चलें, 127 पेज पर, तो वहां पर इन टाइप्स को हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट द ऑर्गेनिज्म दैट लिव, grow and propagate on the land are called terrestrial organisms and their habitat is called terrestrial habitat. जो organisms grow करते हैं, रहते हैं, जो land से जुड़े हुए होते हैं, land पर जो organisms रहते हैं वो terrestrial habitat के अंदर आते हैं, वो terrestrial organisms कहलाते हैं। जैसे इंसान, man, हम लोग जो हैं terrestrial organisms हैं, terrestrial habitat के अंदर आते हैं। trees, टाइगर आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या आता है? पानी। एक्वा का मतलब होता है एक्चुअली में वाटर, एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रह के ही
जिंदा रहते हैं और ब्रीड करते हैं। ब्रीड करने का मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी पानी के अंदर ही होते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। फिश, वेल्स एक्स्ट्रा आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स एक्स्ट्रा आर एक्वेटिक हैबिटेट। इसके बाद थर्ड है एर्बोरियल हैबिटेट। एर्बोरियल हैबिटेट हमने बताया था इंट्रो में कि वो जो है हवा और पेड़ों से रिलेटेड है। तो द ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस ट्री फॉर देयर एक्टिविटीज आर नोन एज एर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पेड़ों को यूज करते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, वो और एर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल बर्ड्स, ईगल, स्वेलो, ये हवा में ही रहते हैं, हवा में या पेड़ों पर, तो ये एर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। द ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर एक और ऑर्गेनिजम्स है एम्फीबियन ऑर्गेनिजम्स, जो पानी और लैंड दोनों जगह पर रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बायोफाइट्स एक्स्ट्रा आर एम्फीबियंस। यहाँ पर एक डू यू नो का पार्ट है माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो हैबिटेट स्मॉल रीजन है हैबिटेट के अंदर ही, विथ स्पेशल जियोग्राफिक और क्लाइमेट कंडीशंस। ऐसी स्पेशल और जियोग्राफिक क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं जो सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को सूट करती हैं, तो इसलिए ये माइक्रो हैबिटेट कहलाता है। तो ये सेक्शन आप खुद से रीड करोगे, डिफाइन मैंने बता दी, रेस्ट आप खुद से रीड करोगे। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट क्या है, दो तरह के, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये। टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। आपको इंट्रो में हमने की टर्म्स में रीड किया था। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जितने भी लिविंग चीजें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लिविंग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग चीजों में आते हैं, जैसे सॉयल, वाटर बॉडीज, एटमोसफियर, मेटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और इनको नॉन लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पेज 127 कंप्लीट हो गया, लेट्स गो फॉर 128 पेज नंबर नेक्स्ट पेज। यहाँ पर अब आपकी आ गई समरी। तो इस समरी सेक्शन को आप करोगे रीड खुद से, ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको खुद से रीड करोगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है हम इनको क्लास में करेंगे, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेक्शन रीड करेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स टू डिफरेंट हैबिटेट। एक टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स विच इम्प्रूव द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द एनवायरमेंट इन विच इट लिव्स इज नोन एज अडेप्टेशन। एक ऑर्गेनिज्म की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है अपने फीचर्स को, स्पेसिफिक फीचर्स को डेवलप करने की, ताकि वो एक एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को जिंदा रख सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके, उस चीज को जो है अडेप्टेशन बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इट्स बॉडी एंड मेक इट वेल सूटेड टू द एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, किसी एनवायरनमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर अपने स्ट्रक्चर के चेंज, अपने अंदर स्ट्रक्चर के चेंजेस और उसकी बॉडी के फंक्शन चेंज हो जाते हैं, ताकि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर जिंदा रख सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके। फॉर एग्जांपल कैमल एंड डेजर्ट दैट आर अडेप्टेड टू द डेजर्ट हैबिटेट। अब कैमल जो है और डेजर्ट जो है, एक वो दोनों चीजें एक दूसरे के हिसाब से अडेप्टेड है, मतलब कैमल जो है डेजर्ट्स में इजीली रह सकता है, उसने अपने आप को इस सांचे में ढाला हुआ है कि उसको डेजर्ट्स में ही रहना है, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ टू टाइप्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दो तरह के अडेप्टेशंस है, परमानेंट अडेप्टेशन एंड टेम्परेरी अडेप्टेशन। परमानेंट अडेप्टेशन और टेम्परेरी अडेप्टेशन की डिफाइन अब हम देखेंगे। हैज अ परमानेंट अडेप्टेशन हैज अ जेनेटिक बेसिस, वो जेनेटिक बेसिस पे, मतलब जैसे हेरिडिटरी बेसिस हो गई, और कॉज परमानेंट चेंजेस इन द इंडिविजुअल, वो परमानेंट चेंजेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। जैसे कैमल जो है, कैमल इज वेल अडेप्टेड टू डेजर्ट एनवायरमेंट, वो उसी के हिसाब से बना हुआ है, डेजर्ट के हिसाब से, एंड नॉट टू द वॉटर। अब कैमल को पानी में रख देंगे तो वो पानी में तो नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि वो डेजर्ट के हिसाब से बना हुआ है। अगर फिश
को हम बाहर नहीं निकाल सकते पानी से, है ना, क्योंकि वो पानी के हिसाब से वेल डेवलप्ड है. तो अ फिश इज वेल अडेप्टेड टू लिव इन वाटर. तो इसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म को, हर जीव जंतु को भगवान ने उसके स्पेशल अडेप्टेशन के साथ उसको भेजा है, जहां पर वो अपने उस वातावरण के हिसाब से रह सकता है. अब हम जमीन पर रहते हैं, वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हमें कोई कहे पानी में जाकर रह लो तो नहीं पॉसिबल ना, हो नहीं सकता. तो हमारा अडेप्टेशन जो है अर्थ लैंड का है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है हम लोग. टेम्परेरी अडेप्टेशन वो होता है जो थोड़ी देर के लिए कोई काम करना हो या थोड़ी देर के लिए हमें किसी जगह पर जाकर रहना हो, और ये हेरिटेटेड इनहर्टेड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स जो है उनको केज मतलब पिंजरा, उनको हम पिंजरे में तो रख सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए पिंजरे में नहीं रख सकते, क्योंकि हमेशा के लिए पिंजरे में रखेंगे तो बर्ड मर जाएगा. उसका मेन जो है उसका एनवायरनमेंट वो क्या है, वो आकाश में उड़ने के लिए बना है. तो इसलिए बर्ड जो है उसको टेम्परेरीली हम पिंजरे में रख सकते हैं, हमेशा नहीं रख सकते. हेयर वी आर डिस्कवरिंग, अब हम डिस्क्राइब करेंगे यहां से अलग अलग तरह के हैबिटेट्स की. तो अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेफर टू लिव इन डिफरेंट हैबिटेट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक प्रॉपर हैबिटेट दिया है भगवान ने, और जिंदा रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को अडेप्ट करता है वहां की क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, अब कुछ टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर लैंड हैबिटेट्स, ठीक है, ये लैंड था, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, अब हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स जो है लैंड पे रहते हैं तो उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलेंगे. सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन एक्स्ट्रा. अब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, पहले ग्रासलैंड का, फिर डेजर्ट का, फॉरेस्ट का, टर्म बाय टर्म करेंगे. यहां पर बुक में सबसे पहले दिया गया है अडेप्टेशन टू डेजर्ट हैबिटेट. तो पहला अडेप्टेशन जो है हमारा वो डेजर्ट हैबिटेट का है, ठीक है. अब डेजर्ट, पहले हम डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो डेजर्ट एनिमल्स कैसे, डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, डेजर्ट का क्लाइमेट है ड्राई एंड हॉट, बहुत गर्मी होती है और ड्राई होता है. डेजर्ट हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन, वहां पर खेती बाड़ी बहुत कम की जा सकती है. क्यों कम की जा सकती है, क्योंकि वहां पर पानी बहुत कम होता है. तो डेजर्ट प्रोवाइड लिटिल शेल्टर फॉर अ लार्ज, और आपको पता है डेजर्ट में दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधा नहीं नजर आता. क्यों नहीं नजर आता, क्योंकि पानी नहीं है वहां पर. तो बहुत कम जो है शेल्टर है, बहुत कम पेड़ लगा लो, बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर एनिमल्स जो है सन से अपने आप को बचा सके. पॉइंट वन, मोस्ट एनिमल्स विच सर्वाइव इन डेजर्ट, अब जो डेजर्ट्स में एनिमल्स रहते हैं वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से रहते हैं, तो ज्यादातर ऐसे एनिमल्स जो हैं क्या करते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर मैमल्स. मैनी एनिमल्स लिव इन डेजर्ट रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे, क्योंकि गर्मी होने की वजह से दिन में वो इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे. और रात को उतना ही ठंडा हो जाता है डेजर्ट का एनवायरमेंट, डेजर्ट का जो रात, जितनी गर्मी दिन में होती है डेजर्ट्स में उतना ही रात को ठंडा रहता है. तो बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, तो वही एनिमल्स या वही जीव जंतु जो है वो जो है रात के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. दिस इज जस्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, दिन में क्यों नहीं निकलते, क्योंकि उनकी बॉडी से जो है पानी खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि सूरज की इतनी तेज गर्मी, गर्मी में प्यास लगेगी, इसलिए वो दिन में इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है. इन एनिमल्स को नॉक्टर्नल एनिमल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट है, सर्टेन एनिमल्स हाइड देमसेल्व इन बुरो, अच्छा, बुरोज में रहते हैं, जेलेटिनियस सिक्रेशन एंड स्लीप फॉर 8 to 9 months इन अ ईयर, दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन. हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं, अपने आप को जमीन के अंदर जो क्या बोलते हैं, जमीन के अंदर सुरंग टाइप खोद के वहां पर सोने चले जाते हैं 8 to 9 months के लिए, ठीक है, सर्दियों के टाइम में, स्पेशली सर्दियों के टाइम में. समर में क्या होता है, द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो गर्मियों में क्या होता है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे लिजर्ड, स्नेक्स एंड मॉस्किटोज आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, तो वो
रात के समय जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे छिपकलियां वगैरह आपने देखा होगा दिन में नहीं इतनी नजर आती जितनी रात को नजर आती हैं गर्मियों में, है ना। और मॉस्किटोज मच्छर भी जो हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो दिन के समय इतने एक्टिव नहीं होते, रात के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और सर्दियों में इंजॉय सन ड्राइंग द डे, दिन में तो वो इंजॉय करते हैं ठीक है सन को, और ड्यूरिंग द डे एंड व्हेन कोल्ड जब ठंड हो जाती है दे बिकम इनएक्टिव, और वही जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो ये लिजर्ड स्नेक्स और मॉस्किटोज एक्टिव नहीं रहते ज्यादा लंबे समय तक। द एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन आर अदर फिजिकल अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। अब स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंस होते हैं मतलब नहीं होते ठीक है उन एनिमल्स में, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं एब्सेंस होते हैं, और कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन आर अदर फिजिकल अडेप्टेशन, ये कुछ और फिजिकल अडेप्टेशन हैं डेजर्ट एनिमल्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन कैमल, कैमल किस तरह से अपने आप को डेजर्ट में सर्वाइव रखता है, किस तरह से अडेप्ट करता है डेजर्ट को। कैमल इज ओनली द लार्ज एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल है डेजर्ट का, जो डेजर्ट की कंडीशंस में अपने आप को जिंदा रखता है, अपने आप को सर्वाइव रखता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। तो उसकी मेन रीजंस यहां पर दे रखी हैं, इट्स लिम्ब्स कंटेन लार्ज पैड्स विच हेल्प इट टू मूव ऑन हॉट एंड स्लिपरी सैंड। तो उसके पैर ही जो कैमल के जो पैर हैं वो कुछ इस तरह से बने होते हैं, बड़े बड़े पैरों में बड़े बड़े पैड्स होते हैं जिससे वो इजिली मूव कर सके और स्लिप कर सके रेगिस्तान की मिट्टी पर। द हम्प ऑफ द कैमल इज रिसीवर ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ फैट। जो कैमल की उठी हुई ऐसे होती है ना हम्प, इसको हम्प बोलते हैं ठीक है। ये जो हम्प होता है ना ये रिसीवर ऑफ फूड होता है, मतलब इसमें फूड जमा होता है फैट की फॉर्म में, क्लियर। इट ड्रिंक्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और कैमल जो है ना बहुत सारा पानी एक ही बार में पी लेता है और उसको स्टोर कर लेता है अपने वाटर सेल्स में, मसल्स में और कनेक्टिव टिश्यूज में। तो जो कैमल है वो दो हफ्तों तक बिना पानी पिए रह सकता है, और वो बहुत कम जो है एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और वो यूरिन में अपने यूरिन ही नहीं करता, क्योंकि अगर यूरिन करेगा तो जो है उसकी बॉडी से पानी निकल जाएगा, इसलिए वो बहुत कम यूरिन करता है। इट कैन एडजस्ट इट्स इंटरनल टेम्परेचर, कैमल जो है अपने अंदर के टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है हवा के हिसाब से। इट स्वेट प्रोफ्यूशनली इन द ब्राइट सन टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर। तो जब जो कैमल है वो स्वेट्स करता है, मतलब जब उसको पसीना आता है ना तो ब्राइट सन में, तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस हिसाब से मेंटेन कर लेता है। यहां पर पेज 129 कंप्लीट हो गया, लेट्स गो फॉर पेज 130। डेजर्ट प्लांट, द प्लांट दैट ग्रो अंडर वेरी पुअर कंडीशन सच एज इन डेजर्ट आर कॉल्ड एक्सीरियोफाइट्स। जो प्लांट्स बहुत ही पुअर वाटर कंडीशन के अंदर रहते हैं डेजर्ट्स में, उनको एक्सीरियोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स का एग्जांपल है कैक्टी और प्यूनिटिया आर अडेप्टेड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल है कैक्टी प्लांट्स कैन स्टोर वाटर इन देयर स्पॉन्जी स्टेम्स, अपने इन मोटे मोटे तनों में जो कैक्टस है वो पानी जमा कर लेता है, और दीज आर कॉल्ड सुकुलेंट प्लांट्स। द डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कुछ प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैसे रहते हैं वो डेजर्ट के अंदर। देयर लीव्स, उनकी लीव्स जो हैं इस तरह से रिड्यूस होती हैं टू स्केल और स्पाइंस विच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। वो जो है डेजर्ट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो कम से कम अपना पानी लॉस करती हैं। द लीव्स बियर अ सनकेन स्टोमेटा टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन ऑफ। तो इनकी जो डेजर्ट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनका जो स्टोमेटा होता है वो कम से कम पानी की मात्रा को
बाहर निकलने देता है। द थिक क्यूटिकल इज फाउंड ऑन द स्टेम, इनके स्टेम पर, यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो, इनके स्टेम पर क्यूटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से क्यूटिकल्स होते हैं ऑन द स्टेम एंड लीव्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से भी कम पानी की मात्रा जो है लॉस होती है, पानी खराब नहीं होता, कम से कम पानी खराब होता है। अगेन यहाँ पर समरी पॉइंट्स आ गए हैं, इनको आप रीड करोगे, होमवर्क पार्ट है ये आपका, ठीक है, समरी पॉइंट्स को रीड करोगे और इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। इसके बाद आता है अडेप्टेशन टू माउंटेनियस रीजन, माउंटेन रीजन का अब अडेप्टेशन देखेंगे हम, ये पार्ट टू हो गया। माउंटेनियस रीजन जो होते हैं वहां पर हमें पता है बहुत ठंड होती है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, स्नोफॉल भी होती है सर्दियों के समय, ठीक है, और लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिल जाते हैं माउंटेन्स के। माउंटेन प्लांट्स और ट्रीज ये कैसे अडेप्ट करते हैं माउंटेन का जो एनवायरनमेंट होता है, पहली बात तो यहाँ के जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं उनकी कोन शेप होती है और हैविंग स्लोपिंग ब्रांच, ठीक है, इस तरह से कोन शेप के प्लांट्स ज्यादातर आपको दिखेंगे माउंटेन्स पर, ताकि यहाँ पर बर्फ ना टिके और बर्फ गिरे तो फिसल जाए नीचे की तरफ। दे हैव निडल लाइक लीव्स, उनकी लीव्स जो होती हैं पतली पतली होती हैं निडल्स की तरह। तो दीज अडेप्टेशन हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, तो इस वजह से पेड़ों की और पत्तियों की जो है रेन वाटर, पानी नहीं टिकता उनके ऊपर और स्नो नहीं टिकती, वो जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ गिर जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज 131। अब माउंटेन एनिमल्स की बात करें तो इनकी ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं माउंटेन्स के वो व्हाइट और लाइट कलर्ड के होते हैं, जिससे ये कॉम्यूफ्लेग विद द, मतलब अपने आप को उस सराउंडिंग के सांचे में ढाल सकें, और इसकी वजह से यही एक रीजन है कि इट हेल्प्स देम टू इन थर्मल रेगुलेशन, मीन्स उनको अपनी बॉडी में हीट महसूस होती है। दे हैव थिक स्किन, उनकी मोटी चमड़ी होती है या उनके ऊपर फर होती है जिससे वो ठंड से बच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल याक्स जो होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप डायग्राम में, याक्स जो हैं सर्दियों में इनके लंबे लंबे बाल होते हैं और ये इनको गर्म रखते हैं। स्नो लियोपॉड, इस एग्जाम्पल में स्नो लियोपॉड है, उनका जो होती है मोटी चमड़ी या फर होती है उनकी बॉडी के ऊपर जो उनकी बॉडी को कवर रखती है। माउंटेन गॉट, ये रही माउंटेन गॉट, और ये इनको स्ट्रॉन्ग हुप्स विच हेल्प इट इन रनिंग अप एंड रॉकी स्लोप्स ऑन द माउंटेन्स। अडेप्टेशन टू ग्रासलैंड, अब आता है थर्ड सेक्शन, अडेप्टेशन टू ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब ग्रास से भरे हुए बड़े बड़े लैंड्स, तो ग्रासलैंड कवर नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ लैंड, तो इसने ग्रासलैंड ने कवर किया 1/4 ऑफ द अर्थ का लैंड। द ग्रासलैंड एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सपेक्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में तो होती ही बर्फ ही बर्फ है, तो इसके अलावा हर जगह हर कॉन्टिनेंट में हमें ग्रासलैंड मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर हॉट थ्रू आउट द ईयर, सारे साल गर्म रहता है। वेयर एज टेम्परेट ग्रासलैंड आर हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। ग्रासलैंड द रेनफॉल इज अबाउट 30 cm to 100 cm, ग्रासलैंड में जो वर्षा होती है वो 30 cm से 100 cm तक होती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वहां पर छोटी छोटी घास और उग जाती है। हाउएवर ट्रीज ग्रो नियर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और नदियों के आसपास या पानी के छोटे छोटे तालाबों के आसपास भी पेड़ पौधे उग जाते हैं। ऑल ग्रास लैंड्स हैव द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स, तो इसको अंडरलाइन कर लो, प्लेंटी ऑफ ग्रास एज अ फूड, तो वहां के रहने वाले जीव जंतुओं को अच्छी खासी घास मिल जाती है खाने के लिए। कॉन्टिन्यूटी एंड ओपननेस, मतलब कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि उगती रहती है घास, ठीक है, ओपननेस में, और लैकिंग कवर टू हाइड फ्रॉम द प्रीडेटर, और शिकार से बचने के लिए जो है कवर हाइड मिल जाता है उनको, आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने शिकार जो शिकारी होता है उसको अपने आप से बचाने के लिए जीव जंतु हाइड कर पाते हैं। देयरफॉर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड अराउंड द वर्ल्ड आर सिमिलर,
द एनिमल्स आर मोस्टली प्लांट ईटिंग, जो ज्यादातर, अच्छा ये डिफाइंस है सारी, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं वो हर्बोवोरियस कहलाते हैं, डियर और हॉर्स। टेम्परेट ग्रासलैंड में जो होम है वो बहुत सारे जीव जंतुओं का है, मींस बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल्स का है, जैसे बिजन, जैबराज, राइनोसोरस एंड वाइल्ड हॉर्सेस। और कार्निवोरस जो होते हैं वो खाली क्या खाते हैं, मांस ही खाते हैं। अदर एनिमल्स ऑफ दिस रीजन इंक्लूड, इस रीजन ग्रासलैंड में दूसरे और एनिमल्स हैं, डियर, माइस, जैक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो डिफाइंस एंड एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आता है अडेप्टेशन टू ग्रासलैंड इन हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, प्लांट ईटिंग, शाकाहारी, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। हर्बीवोरस सच एज काउ, डियर, गोट लिविंग इन अ ग्रासलैंड हैव द कॉमन फॉलोइंग अडेप्टेशन, उनके दांत स्ट्रांग होते हैं कटिंग ऑफ ग्रास के लिए और उनको चबाने के लिए, लॉन्ग लंबे लंबे कान होते हैं ताकि वो अपने जो शिकारी है को ध्यान से उनकी मूवमेंट को सुन सके। प्रीडेटर, अच्छा यहाँ लिखी हुई है डिफाइन, देखो, प्रीडेटर इज एन एनिमल विच मेक देम इट्स प्रे, शिकार, शिकारी करता है, शिकारी शिकार करता है, ठीक है। तो लॉन्ग लेग्स टू रन, लंबी लंबी टांगे होती हैं ताकि वो तेज भाग सके और अपने आप को बचा सके अपने पर हमला करने वालों पर। तो प्रीडेटर्स मीन क्या होता है कि जो हमला करने वाले होते हैं ना वो होते हैं प्रीडेटर्स, ठीक है। आईज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड, उनके सिर के साइड्स में उनकी आंखें होती हैं, द आईज दस प्रोवाइड, इसलिए उनके ऐसे ताकि वो व्यू कर सके, पूरा देख सके अपने पर हमला करने वाले जानवरों को ओवर लार्ज, दूर तक, ओवर अ लार्ज एरिया एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो अपनी आंखों को घुमाकर देख सके। अडेप्टेशन इन टू ग्रासलैंड इन कार्निवोरस, मींस मांस मच्छी, मांस खाने वाले, ठीक है। तो कार्निवोरस लाइक लॉयन, टाइगर, हाइना एक्स्ट्रा आर फाउंड इन, ये भी ग्रासलैंड में मिलते हैं और इनके अलग से जनरल अडेप्टेशन है। इनके शार्प, तेज, नुकीले और लंबे लंबे क्लॉज, मतलब पंजे होते हैं फ्रंट ऑफ देयर लेग्स टू कैच, ताकि वो कैच कर सकें, पकड़ सकें, फाड़ सकें, टियर फाड़ सकें अपने शिकार को, शिकार, प्रे का मतलब शिकार, जिसका वो शिकार करते हैं। लाइट ब्राउन कलर होता है उनका, पैची बॉडी होती है और इससे क्या करते हैं, ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं ग्रास के अंदर। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस, इनकी आंखें इनके फेस पे, फ्रंट पे होती हैं, जो लोकेशन, जो हमेशा अपने शिकार का ध्यान रखती हैं। लॉन्ग एंड स्ट्रांग कैनेनाइंस, मतलब आगे के टीथ जो होते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं, जिससे वो अपने शिकार की बॉडी को फाड़ सकें और खा सकें। तो अगेन यहां पर आ गई समरी, इसको आप रीड करोगे, ठीक है। इसके बाद जो है ओरल क्वेश्चंस आगे पेज 132 के, इसको भी हम नोटबुक में करेंगे एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सम एक्वेटिक हैबिटेट।